नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सूबे में महिलाओं संग अप्रिय घटना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जालौन में सौहदे से तंग आकर एक छात्रा ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मृतक के परिजनों ने गांव के ही दो युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। मामला जालौन के सिरसा करार थाना क्षेत्र का है, जहाँ सरेनी निवासी 11 की एक छात्रा को गांव के ही कुछ सोहदे स्कूल आते जाते समय तंग किया करते थे, जिसकी शिकायत छात्रा ने अपने परिजनों से की। इसके बाद छात्रा के परिजनों द्वारा सोहदे के परिजनों से शिकायत की गई थी। इससे नाराज सोहदे ने छात्रा को और ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। मृतिका के परिजनों के मुताबिक आरोपी सोहदे ने छात्रा को रोककर उसे परेशान किया करते थे और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने की बात नहीं मानी तो वह उसके भाई को जान से मार देंगे। बार बार की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अच्छा, क्या घटना हुई है बेटी के साथ आपके? हम घर पे रहते नहीं, उसने हमसे कहा पापा हम स्कूल नहीं जा पाते, लड़के परेशान करते। हमने कहा बताओ कौन कौन है, तो उनसे नाम बताए। तो हम घर पे चारा लेने जा रहे थे, तो हमने कहा उधर ही बोलते हुए उनके माँ बाप से चले जाएंगे। लौट गया जब तक हुए, उसने छलांग लगा दी, वो लड़के उधर ही टहल रहे थे। जब घर पे कोई नहीं रहता था, जब भी वो वहां बैठते थे। इसके पहले पुलिस को शिकायत की कभी? अब सब बच्ची वाली बात थी कि मान ले हम जब रहते नहीं थे तो उसने हमें बताया नहीं। अच्छा, आप पुलिस ने क्या किया? पकड़ा उनको? नहीं पकड़ा? अभी कुछ भी नहीं करा। कब से परेशान कर रही थी ये लड़की? करीब ये 2 महीने से परेशान कर रहे थे। हम दिल्ली में थे, अभी दीपावली पे घर पे आए थे जब उसने मुझे बताया। कौन क्लास में पढ़ती थी आपको? 11वीं में। कहाँ जाती थी पढ़ने? सिमहारा। सिमहारा जाती थी? गांव से कितने दूर? 3 किलोमीटर। तो इनका धंधा यही था कि ये परेशान करते थे? ये उसे जो कुछ बोलते होंगे, क्या कहते थे नहीं कहते थे, अब जिंदा होती तो मुझसे पूछते बेटा और बताओ क्या बात है। नहीं तो पहले आपसे बोलती थी लड़की आपकी? उसने इस बात को नहीं बताया, जब तंग हो गई ये भी बताया। भाई ये कहा तो हर आदमी कहता, हम किसी से न गए। बच्ची स्कूल जाती है, फैमिली परिवार बच्चे घर पे रहते हैं सर। बच्ची रास्ते में जैसे अकेले स्कूल जाते हैं, ये लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं तो मुझे पता नहीं है। ये लोग आधे रास्ते तक उसके आगे पीछे जाते थे। वापसी जब छुट्टी होती थी तब वो वापस वहीं पे मिलते थे। जो भी कहा सुनी होती होगी उसको परेशान तंग किया जाता था। कौन लड़की थी? ये पालों के लड़के हैं जो हमारे घर से 10-12 घर छोड़ के हैं, लेकिन एक हमारे पड़ोस में एक दीवार छोटी सी बना रखी है बाउंड्री, उस पर आके सब लोग गुट होकर बैठते थे बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने। तो ये है। और दूसरी बात, हमें ये ज्ञात कल पता चला जब बच्ची ख़त्म हो गई, तो हमारी एक बच्ची हमने उससे ज्ञात किया कि बेटा आपको कुछ बताया उसने? तो उसने कहा पापा हमसे ये जरूर कहा कि हमें लड़के परेशान करते हैं। भाई बच्चियाँ बच्चियाँ को बताती हैं, बोले परेशान करते हैं, हम कसम धराते हैं कि हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे या हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना। बोले पापा हमें इतने बात जरूर बताती थी। तो हमें तो लगता है कि इतने वो दबाव में थी, या उन्होंने जैसे आते जाते कुछ कहा होगा या धमकी दी होगी, तो इस कारण बस हम गिर गए। हम लोग तो अपने घर पर भी नहीं थे, वहाँ पर थे उधर। जब गिर गई तब पता चला सब, तब उसको निकाला गया पुलिस वुलिस पहुँच के। जो भी है, सिरसा था, मैं सिरसा कला थाना अंतर्गत एक सरेनी गांव है, वहाँ पर एक छात्रा द्वारा आत्महत्या की बात प्रकाश में आई है। उसके पिता द्वारा दो लड़कों और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है, उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक मैदानी कार्रवाई कराई जा रही है। जालौन से हमारे संवाददाता अनुज पाटकर की खास रिपोर्ट।